अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। मैं हूं आपका होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं सीजन 1 एपिसोड 2C। ये थर्ड एपिसोड है इस लाहौर हाई कोर्ट केस की जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ताल्लुक सेल्स टैक्स से है, सेल्स टैक्स एक्ट 1990। और इसमें हम ये देखेंगे कि जो अगर आप अपने सप्लायर जो सब्सिक्वेंटली यानी के बाद में ब्लैकलिस्ट हो जाता है उससे आप इनवॉइसेस लेते हैं तो आया आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं कि नहीं। जो प्रीवियस 2 एपिसोड्स थी उनमें हमने इस जो डिसीजन है इसका स्ट्रक्चर देखा, इसकी लॉजिक देखी। आज हम जो है ना जो इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं हाई कोर्ट से, क्योंकि इस केस में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है सेक्शन 47 के तहत लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच किया है और उन्होंने उनसे ये क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चन 1 में उन्होंने पूछा है वेदर ऑन फैक्ट्स एंड इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस द लर्न ट्रिब्यूनल वाज जस्टिफाइड टू होल्ड द वर्ड प्रायर यूज्ड इन सेक्शन 21(3) ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 99 डज नॉट कवर द पीरियड बियॉन्ड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रादर इट मीन्स ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अप टू एंड आफ्टर इट्स ब्लैकलिस्टिंग। तो पहला क्वेश्चन वो ये पूछ रहे हैं कि ट्रिब्यूनल ने जो क्लाइंट है, जो टैक्सपेयर है, सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है, उसके फेवर में जो है ना फैसला दिया। और वो फैसला अभी आगे जाके आप देखेंगे भी कि बेसिकली उसने कहा कि जिन वेंडर्स से इन्होंने लिया था इनवॉइसिस, वो इन्वाइसेस उन्होंने जब ली थी तो वो वेंडर उस वक्त जो है सप्लायर ब्लैकलिस्टेड नहीं था। तो प्रायर का मतलब यानी पहले का मतलब सेक्शन 21 में, सेक्शन 21 ये है कि ब्लैकलिस्टेड और डी रजिस्ट्रेशन से उसका ताल्लुक है। तो आया ट्रिब्यूनल ने ये बात जो की कि वो ब्लैकलिस्टेड उस वक्त नहीं थे जब इन्वाइसेस मिली थी इनको, तो ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं वेदर द लर्न ट्रिब्यूनल फेल टू अप्रिशिएट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 81(c)। ये बेसिकली कहता है कि 81(c) कहता है कि जहां पे सेल्स टैक्स डिपॉजिट ना हुआ हो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, स्टेट बैंक में, तो वहां पे आप जो है वो क्लेम नहीं कर सकते जो है ना इनपुट टैक्स। और 8(a) का ताल्लुक है कि जो पूरा सप्लाई चेन है उसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनपुट आउटपुट क्लेम के प्रोसेस के थ्रू प्रॉपर जो है ना टैक्स गवर्नमेंट को पे होता जाए और फिर फाइनल कंज्यूमर को सारा का सारा टैक्स हो जाए। और उसी के साथ मिला के सेक्शन 21(3) है कि आया सेल्स टैक्स की रेलेवेंट टू रिजेक्ट द इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट क्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस इशूड बाय ब्लैक लिस्टेड कंपनी, के आया ट्रिब्यूनल ने ये पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया कि ये जो इनवॉइसेस इस क्लाइंट की थी वो एक ऐसे वेंडर ने इशू की थी जो ब्लैकलिस्टेड था, और जिसने बेसिकली ब्लैकलिस्टेड इसलिए था क्योंकि उसने फेक इनवॉइसेस इशू की थी, और जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट को उनका ड्यू शेयर नहीं मिला। तो सेक्शन 81(c) और 8(a) और 23 को मिला के देखें तो आया ट्रिब्यूनल ने इन तीनों सेक्शंस को मिलाए बगैर सिर्फ सेक्शन 23 तो नहीं देखा। तीसरा क्वेश्चन ये है whether on the facts and in the circumstances of cases the learned tribunal was justified to hold the order made by adjudicating officer in view of provision of sub rule 5 of rule 12 of sales tax rules issued via notification number 555216 dated 5th June 2006 is an administrative order and cannot be given retrospective effect। To yahan pe जो है ये सवाल जितने भी सवाल हैं ये बड़े बुरी तरीके से लिखे गए थे, तो इसलिए आखिर में इस फैसले के जो आप अगली किस्त में देखेंगे उसमें जो है ना हाई कोर्ट ने सारे सवालों को एक सवाल बनाया और उसको अच्छी तरह फ्रेज किया और फिर उसका जवाब दिया। तो ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि आया जो ट्रिब्यूनल है उसने ये पॉइंट जो है ना मिस कर लिया कि जो रूल नंबर 12 है सेल्स टैक्स रूल्स 2006 का, और उसमें जो 2006 में आए थे उनके अंदर जो है ना एक पॉइंट ये लिखा है कि सस्पेंशन से पहले भी जो इनवॉइसेस इश्यू हों उनके इनपुट को भी डिसअलाउ किया जा सकता है। तो ये पॉइंट ट्रिब्यूनल ने
आया, मिस किया, ये सवाल पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछते हैं, डिपार्टमेंट पूछता है, वेदर ऑन फैक्ट्स एंड इन सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस द केस इज रिपोर्टेड एज पीटीसीएल 205 CL 138। ये पेज नंबर हो गया, ये साल हो गया, और ये उस मैगजीन का जिक्र हो गया जिसमें टैक्स मैगजीन है। और दूसरा केस है 2004 PTD 2928 आर स्क्वेयरली एप्लीकेबल टू दिस केस एज कॉन्टम्पलेटेड बाय लर्न्ड ट्रिब्यूनल सिंस नो वेस्टेड राइट हैज अक्रूड टू द रजिस्टर्ड पर्सन। तो याद रखें, ये जो चार सवाल हैं ये डिपार्टमेंट पूछ रहा है कि इन लोगों ट्रिब्यूनल से गलती हुई है, तो लाहौर हाई कोर्ट जो है उस गलती को ठीक करे। और इस क्वेश्चन 4 में ये पूछ रहे हैं, ये जो दो केसेस हैं इनको, इन दो केसेस में ये असूल सामने आया कि अगर कोई नोटिफिकेशन या कोई रूल गवर्नमेंट बनाती है और जो है ना टैक्स लॉ में, और वो बेनिफिशियल होता है, तो वो तो रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि प्रीवियस ईयर्स में अप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर वो जो है ना पेनल्टी का है या उस वो पिनलाइज कर रहा है टैक्स पेयर को, तो फिर वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। तो ये चार सवाल उन्होंने बनाए, और फिर अब हम फैक्ट्स देखते हैं और देखते हैं कि केस आगे कैसे चल रहा है। ब्रीफ फैक्ट्स ये हैं कि एज रिकॉर्डेड इन द इम्प्यूट ऑर्डर फर्स्ट नोटिस भेजा गया, और नोटिस ये भेजा गया कि जो आपने, यानी ये जो हम एमएस अली हसन मेटल है, इनको ये नोटिस किया गया, याद रखें ये इंपॉर्टेंट है, जुलाई 2011 अक्टूबर 2011 नवंबर 2011 जनवरी 2012 और फरवरी 2012 की जो आपने इन्वॉइसिस इस सप्लायर से क्लेम किए जो सब्सिक्वेंटली ब्लैकलिस्ट हो गया, तो इस ये जो इन्वॉइसिस हैं इनपुट, इस पे इनपुट जो आपने क्लेम किया हम उसको डिसअलाउ करें। तो और ऑर्डर इन ओरिजिनल यानी जो असेसिंग ऑफिसर था उसने 6 फरवरी 2014 को असेसमेंट किया, तो उसने कहा कि ये आपको इनपुट क्लेम नहीं होगा, जो फिर कमिश्नर अपील के पास जब क्लाइंट गए तो उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल असेसिंग ऑफिसर ठीक कह रहे हैं, और फिर फर्दर अपील जो है ना वो रिस्पोंडेंट, यानी रिस्पोंडेंट से मुराद है इस केस में जो रिस्पोंडेंट है अली हसन, वो जब ट्रिब्यूनल गए तो ट्रिब्यूनल ने, पैराग्राफ नंबर 3 है कि उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जो अली मेटल्स के फेवर में था, और उसके अंदर जो उनका ऑपरेटिव पार्ट था यानी कि उनका डिसीजन था वो पैराग्राफ नंबर 6 था जो यहाँ रिप्रोड्यूस हुआ। Keeping in view the facts of the case and after respectfully following the ratio settled in the above referred judgment, we come to the conclusion that the revenue, yani jo revenue department has failed to prove the allegation leveled against the appellant, yani ke hill jo Ali Metals tha wo appellant hai, that the appellant claimed inadmissible input tax adjustment. यानी कि उन्होंने जो इनपुट क्लेम किया वो इनएडमिसिबल था, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्लेम कर रहा है लेकिन वो ये बात प्रूव नहीं कर सके ऑन द बेसिस ऑफ फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस। फेक या फ्लाइंग इनवॉइसेस ये होती हैं कि जहां आप इनवॉइस तो शो करते हैं लेकिन उसके उसमें मेंशन जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो जो है ना एक्चुअली आपने ना खरीदी होती है ना आपने बेची होती है, तो वो फेक या फ्लाइंग इनवॉइसेस होती हैं issued by the supplier. Supplier से मतलब वही supplier यानी जो blacklist हुआ है, due to which the said supplier was blacklisted subsequent to the transaction. के फिर वो supplier जो है ना blacklist हो गया बाद में, लेकिन जो है ना department यानी revenue prove नहीं कर सका कि ये जो input tax claim किया गया है वो उनकी invoices fake हैं, और इसी तरह consequently the impute order is set aside. सेट असाइड यानी कि जो डिपार्टमेंट ने किया और कमिश्नर अपील ने जो फैसला किया उसको ख़त्म कर दिया, सेट असाइड कर दिया, ऑर्डर इन ओरिजिनल इज हेयर बाय विकेटेड, और इसको जो है ना कंप्लीट कर दिया। अब जो है जिसका मतलब है कि जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा था कि जी हमें वो पे करें, आप ये इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकते, तो जारी बात है अगर आप इनपुट क्लेम ना कर सकें तो वो फिर आपको अमाउंट पे करनी पड़ती है। इनपुट का मतलब ये होता है कि जो टैक्स आपने आगे कस्टमर से चार्ज किया उसमें से आप इनपुट टैक्स माइनस करते हैं, जब नहीं कर सकते तो इसका मतलब है जो कस्टमर से कलेक्ट किया वो आपने पे डिपार्टमेंट को करना है। तो ये फैसला था ट्रिब्यूनल का जिस पे लाहौर हाई कोर्ट में बहस हो रही है, और फिर लर्न्ड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट यहाँ कमिश्नर
इनलैंड रेवेन्यू है सेल्स टैक्स का. डिपार्टमेंट सबमिटेड दैट सेक्शन 21(3) ऑफ द एक्ट ऑफ 1990 एंड रूल 12(5) ऑफ द सेल्स टैक्स रूल्स कुड बी इन्वोक्ड रेट्रोस्पेक्टिवली. अब यहां पर और अगला भी पढ़ लेते, ही हैज लेड एम्फेसिस ऑन द वर्ड्स प्रायर और आफ्टर सच ब्लैकलिस्टिंग यूज्ड इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 21 ऑफ एक्ट 1990. यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अगर आप जाके स्टडी करेंगे इन दोनों सेक्शन और रूल्स को, तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आएगी. सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 कहता है कि बेसिकली जो जब जो है ब्लैक लिस्ट हो जाए, कोई सस्पेंड हो जाए और फिर ब्लैक लिस्ट हो जाए, तो उस दौरान जो वो इन्वॉइसेस इशू करेगा, वो इन्वॉइस यानी कि जब वो सस्पेंड हो जाए और सस्पेंड होने के बाद, सस्पेंड वो इसीलिए हुआ होगा कि उस पे डिपार्टमेंट ने कहा होगा कि जी आप फेक इन्वॉइसेस इशू कर रहे हैं या आप टैक्स फ्रॉड करें, तो उसको सस्पेंड कर दिया. ये एक दो रीजंस है. इसके बाद जो है ना डिपार्टमेंट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और प्रूफ कर दिया और फिर उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया. ये एक तरीका है ब्लैकलिस्टिंग का और या सस्पेंड होने का. और भी तरीके हैं सस्पेंड होने के और ब्लैकलिस्ट होने के. तो वो जो लर्न काउंसिल है वो कह रहा है कि ब्लैकलिस्ट सस्पेंड हुआ और ब्लैकलिस्ट हुआ, तो इस सेक्शन में वो कहता है कि इस दौरान जब वो सस्पेंड हुआ, जिस महीने वो सस्पेंड हुआ और सब्सिक्वेंटली जब वो ब्लैकलिस्ट हुआ, उन सारे महीनों में जब वो इनवॉइस इशू करेगा और वो इनवॉइस कोई और रजिस्टर्ड पर्सन एज परचेज इनवॉइस लेगा, तो उस पर वो रजिस्टर्ड पर्सन जो है ना इनपुट क्लेम नहीं कर सकेगी. लेकिन जब आप ये रूल 12 ऑफ 5 पढ़ेंगे, रूल 12 सब रूल 5 पढ़ेंगे जो सेल्स टैक्स रूल्स में दिया हुआ है 2006 में, जब आप इसको पढ़ेंगे, आज अब है 2019, हम हैं मार्च 2019 में, आप जब पढ़ेंगे तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि ये जो रूल्स हैं ये अमेंड हुए थे, अपडेट हुए थे, चेंज हुए थे फाइनेंस एक्ट 2012 में, और बेसिकली वो जुलाई 2012 में उनमें चेंज आया. वो चेंज ये आया कि वहाँ लिखा है कि इस रूल में लिखा है और वो भी एप्लीकेबल है, 1 जुलाई 2012 से वो एप्लीकेबल हुआ, कि वो इनवॉइसेस जो एक शख्स ने सस्पेंशन या सस्पेंशन से पहले भी इशू की हैं, वो जो है ना दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम नहीं कर सकेगा. तो दो मुख्तलिफ बातें हो रही है वहां. सेक्शन 21 में वो कह रहा है कि सस्पेंशन के बाद और ब्लैकलिस्टिंग से पहले वाली, प्रायर टू ब्लैकलिस्टिंग, इसलिए यहाँ वर्ड यूज है प्रायर और आफ्टर सच ब्लैकलिस्टिंग. तो इस लफ्ज का मतलब है कि बेसिकली ये बात कर रहा है सेक्शन की. और जो रूल बना और रूल में जो चेंज आया, वो जो चेंज आया वो जुलाई 2012 में आया कि सस्पेंशन से पहले भी और सस्पेंशन के बाद भी जो इनवॉइसेस इशू किए, तो उन पे जो दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट क्लेम करे, एज इनपुट क्लेम करेगा, तो डिसअलाउ हो सकती है. तो इसीलिए यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिवली की बात हो रही है, क्योंकि आप नोट करेंगे थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि ये सब इनवॉइसेस जून 2012 से पहले की है, यानी कि जुलाई से पहले की है. तो ये रूल जब चेंज हुआ है, जिससे एक कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया रूल्स और लॉ में, सेक्शन 21 में और रूल 12 में कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, तो इवन ये जो केस है इसके अंदर जो इनवॉइसेस की बात हो रही है वो इस रूल से पहले की है. तो इसीलिए दबे अल्फाज में वो मेंशन तो सेक्शन 21 का कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ये कर रहे हैं कि प्रायर और आफ्टर ब्लैकलिस्टिंग यानी सस्पेंशन के बाद और ब्लैकलिस्टिंग से पहले की बात कर रहे हैं, और लेकिन वो रेट्रोस्पेक्टिवली का जहां जिक्र कर रहे हैं तो वो उस रूल की बात कर रहे हैं जहां पे लिखा है कि सस्पेंशन से पहले की इनवॉइसेस भी क्लेम हो सकती हैं, डिसअलाउ हो सकती हैं. और वो कह रहे हैं कि ये रूल बेशक जुलाई 2012 में एप्लीकेबल हुआ है, लेकिन ये जो है ना रेट्रोस्पेक्टिवली यानी इन प्रीवियस मंथ्स की इनवॉइसेस पे अप्लाई हो सकता है, और इसीलिए डिपार्टमेंट ने
इनकी इनपुट इस एलिमेटल्स की जो इनपुट क्लेम था उसको डिसअलाउ कर दिया इस रूल के मुताबिक। तो जो है एक खिचड़ी सी जो पकी वो आप इन दोनों सेक्शन, इस सेक्शन को सेक्शन 21(3) और रूल 12(5) को पढ़ेंगे और फिर ये जो आर्ग्यूमेंट्स ये कर रहे हैं वो उसमें खिचड़ी इसलिए पक रही है क्योंकि क्लियरली आप देख सकते हैं कि रूल्स आए हैं जुलाई के बाद और रेट्रोस्पेक्टिवली इसलिए नहीं एप्लीकेबल हो सकते क्योंकि जैसे ऊपर भी आपने पढ़ा कि ट्रिब्यूनल में दो केसेस दिए गए थे कि अगर कोई बेनिफिशियल चीज़ होती फिर तो पीछे वाले मंथ्स पे यानी इस एलिमेंटल्स को बेनिफिट मिलता, लेकिन अगर कोई पेनल्टी है या कोई सख्ती है तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हो सकता। तो इसीलिए कोर्ट ने फिर उससे कहा, यानी लर्न्ड काउंसिल जो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था उससे कहा, ही वॉज कन्फ्रंटेड विद द फाइंडिंग्स गिवन बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल दैट द सप्लायर वॉज ब्लैकलिस्टेड सब्सिक्वेंट टू द इश्यूएंस ऑफ इनवॉइसेस इन क्वेश्चन। यानी कि जो सप्लायर है वो ब्लैकलिस्ट हुआ था जब उसने इनवॉइसेस इशू करने के बाद वो ब्लैकलिस्ट हुआ था, जिस टाइम उसने इनवॉइसेस यानी फरवरी 2012 तक वो ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ था जब तक ये इनवॉइसेस जिस पर टैक्सेशन ऑफिसर ने जो है ना क्लेम किया कि ये फ्लाइंग या फेक इनवॉइसेस हैं और डिसअलाउ कर दिया अली मेटल का इनपुट टैक्स जो उसने अपने सप्लायर से जो सब्सिक्वेंटली ब्लैकलिस्ट हुआ था लेकिन फरवरी 2012 के बाद। तो कहते हैं एंड द टैक्सेशन ऑफिसर फेल्ड टू एस्टैब्लिश दैट द सप्लायर वाज सस्पेंडेड और ब्लैकलिस्टेड एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइसेस इन क्वेश्चन और ड्यू टू द अलेज्ड फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस। यानी दो बातें करें, यानी कि जिस टाइम उन्होंने इनवॉइसेस इशू की वो टाइम यहाँ मेंशनड है जुलाई 2011 अक्टूबर 2011 से लेकर फरवरी 2012 तक वो सप्लायर अली मेटल्स का ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ था। और एक तो ये है कि वो उस टाइम नहीं हुआ था और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है कि और ब्लैकलिस्टेड एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस इन क्वेश्चन और ड्यू टू अलेज्ड फेक फ्लाइंग इनवॉइस, कि वो जो अली मेटल को जो इनवॉइसेस इशू की थी वो फेक थी इस वजह से ये ब्लैकलिस्ट हुआ, ये भी प्रूव नहीं हो सका। यानी कि ये बात भी टैक्सेशन ऑफिसर ने प्रूव नहीं की। तो अब आप देख सकते हैं कि एपिसोड 1 में हमने बात की के ओवरऑल ये केस किसके बारे में है, जज कौन है, क्या इसके अंदर ओवरऑल लॉजिक डिस्कस हुई थी। फिर एपिसोड 2B में, सेकंड एपिसोड में हमने इसका स्ट्रक्चर यानी पैराग्राफ वाइज 4, 5, 6, 7 में जो बातें थी। आज हम, जैसे कोर्ट के अंदर हुआ भी होगा, आज हम बड़ी बारीकी से इसको देख रहे हैं, ये जो जजमेंट आई है और इस जजमेंट में जो जज ने लिखा है, जो लर्न्ड काउंसिल ने बताया है, जो एपिलेंट ने, जो रिस्पॉन्डेंट ने, ये सब बातें जो हो रही हैं ये हम बात करें। हम पैराग्राफ 4 कंप्लीट कर लिया है। पैराग्राफ 5 में कहता है हर्ड एट प्रिलिमिनरी स्टेज रिकॉर्ड परस्यूट, यानी कि ये तो मकसद है कि वो एपिलेंट और रिस्पॉन्डेंट की बातें उन्होंने देख ली जो ट्रिब्यूनल और कमिश्नर अपील के लेवल पे थी। फिर पैराग्राफ नंबर 6 में वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना हाईलाइट करते हैं जहां पर हम इस एपिसोड को आज एंड करेंगे। फिर पैराग्राफ नंबर 7, 8, 9, 10, 11 में हम इंशाल्लाह अगली किस्त में या उससे अगली दो किस्तों में इस टैक्स मास्टर क्लास के केस को कंक्लूड करेंगे। सब पैराग्राफ 6 में कहता है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट ऑफ 1990 वॉज इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2011, यानी कि ये जुलाई 2011 में इंसर्ट किया गया। एंड सब रूल 5 ऑफ रूल 12 ऑफ रूल्स ऑफ 2000 वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय नोटिफिकेशन नंबर SRO 589/1/2012 डेटेड 1 June 2012। तो आप देखें कि इनवॉइसेस तो फरवरी 2012 तक की थी, ये जो रूल आया जो रूल कह रहा है कि जो है ना सस्पेंशन से पहले के भी इनपुट को जो है वो डिसअलाउ किया जा सकता है, जो कॉन्फ्लिक्ट है एक तरह से, ये जो सेक्शन के साथ रूल जो है वो सेक्शन के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, सेक्शन 21 के साथ जो कहता है कि सस्पेंशन के बाद और ब्लैकलिस्टिंग से पहले जो है वो आप इनपुट जो क्लेम अगर कोई करे और उसका सप्लायर ब्लैकलिस्टेड हो, सस्पेंडेड हो, तो सस्पेंशन के दौरान और ब्लैकलिस्टिंग के बाद इनपुट वो क्लेम नहीं कर सकता उस सप्लायर से।
तो यहां पे उसको रिप्रोड्यूस किया गया, सेक्शन को तो रिप्रोड्यूस किया गया, रूल को रिप्रोड्यूस नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो आपको क्लैरिटी नजर आती। अब आप इसको वैसे जाके अपनी किताबों में देख सकते हैं। हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट दो इंग्रेडिएंट्स यानी दो पॉइंट्स उठाए हैं जो अंडरलाइंड भी हैं और यहाँ बोल्ड भी हैं, उन पर फिर ये सारा केस बेस करते हुए जज साहब फाइनल जजमेंट देंगे। सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 कहता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपने सेक्शन 14 के तहत कराई सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में, अब वो सस्पेंड होगी रजिस्ट्रेशन और उसकी टैक्स फ्रॉड रीजन हो सकता है, उसका रीजन जो है क्या कहते हैं हो सकता है कि आपने फेक इनवॉइसेस इशू की हैं, ये दो तीन रीजंस दिए हुए हैं जिस वजह से सस्पेंशन हो गई है, आपको नोटिस आया उसका पूरा तरीका उसके रूल। द इनवॉइसेस इशूड बाय सच पर्सन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स टैक्स रिफंड, यानी वो शख्स जो जिसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गई है वो सेल्स टैक्स रिफंड भी उन महीनों में नहीं हासिल कर सकता और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हासिल वो शख्स नहीं कर सकता जो इससे खरीद रहा है। यानी कि इनपुट टैक्स ये तो क्लेम नहीं करेगा, इसने तो सेल की है, लेकिन जो शख्स इससे खरीद रहा है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। एंड वंस सच पर्सन इज ब्लैकलिस्टेड, फिर सस्पेंशन के बाद या तो वो रिस्टोर हो जाता है या फिर वो ब्लैकलिस्ट हो जाता है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। The refund or input tax credit claimed against the invoice issued by him, जैसे यहाँ पे एक supplier की बात हो रही है, whether prior or after such blacklisting, तो देखें whether prior blacklisting से पहले यानी suspension के बाद की बात हो रही है, ठीक है जी, shall be rejected through a self-speaking appealable order। ये technical word है self-speaking appealable order, का मतलब है कि जो रीजंस हैं वो क्लियरली जो है टैक्स असेसिंग ऑफिसर रीजंस देगा कि इस वजह से हम ब्लैकलिस्ट करें और वो प्रॉपर एविडेंस होगी कि ये देखिए फेक इनवॉइसेस है या ये फ्रॉड है, टैक्स फ्रॉड है जो उसने किया। एंड आफ्टर अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू सच पर्सन, तो जारी बात है वो उसको बुलाएगा, उसे कहेगा ये चार्जेस हैं आपके अगेंस्ट, अगर आप इनको गलत प्रूव कर सकते हैं तो टैक्स ऑफिसर और जो क्लाइंट है, एमएस अली मेटल की बात नहीं हो रही, उस सप्लायर की बात हो रही है जो एमएस अली मेटल का था, उसको मौका देंगे। तो ये है वो सेक्शन और यहां कहा गया है दिस सबसेक्शन डील्स मेनली विद द इनवॉइसेस इश्यूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। अब देखें जज साहब लिख रहे हैं मेनली विद दिस सबसेक्शन डील्स विद द इनवॉइसेस इश्यूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन एंड आफ्टर कॉन्सिक्वेंट ब्लैकलिस्टिंग। सस्पेंशन हुई, सस्पेंशन चलती रही 3-4 महीने, इन्वेस्टिगेशन हुई, फैक्ट्स उन्होंने गैदर किए, आप पर चार्ज लगाया कि ये आपने टैक्स फ्रॉड किया है, आपने अपना प्रूफ दिया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था और फिर आप ब्लैकलिस्ट हुए। द इनवॉइसेस इश्यूड बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन, जारी बात है सप्लाई चेन में सारे ही रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड पर्सन ने जो इन्वॉइसेस इशू किए, वेदर प्रायर और आफ्टर सच ब्लैकलिस्टिंग shall be rejected through a self-speaking appealable order. The subsection does authorize department to go behind the blacklisting to reject refund or credit against invoices issued by the blacklisted supplier. Yani ke blacklisting se piche wo jayega, ja sakta hai, ye section ye power de raha hai ke tax officer, sales tax assessing officer ब्लैकलिस्टिंग से प्रीवियस मंथ्स में पीछे जाएगा, लेकिन कितना पीछे जाएगा तो यहाँ जज साहब लिखते हैं येट इट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, ये सेक्शन से ये मतलब नहीं लिया जा सकता, टू हैव गिवन पावर टू रिजेक्ट द टैक्स क्रेडिट ऑफ ऑल द प्रीवियसली इश्यूड टैक्स इनवॉइसेस, यानी जितनी भी टैक्स इनवॉइसेस उसने इश्यू किए वो लोग जो उन टैक्स इनवॉइसेस को एज इनपुट टैक्स क्लेम करें वो जो है ना वो रिजेक्ट नहीं हो सकती, और के मतलब हमेशा जैसे 10 साल से वो काम कर रहा है, सस्पेंशन तो अभी पिछले 6 महीने में हुई है, ब्लैकलिस्टिंग इस महीने हुई है, तो पिछले 10 सालों की इनवॉइसिस पर रिजेक्ट नहीं हो सकती। दैट द सप्लायर वॉज ब्लैकलिस्टेड सब्सिक्वेंटली, यानी अभी ब्लैकलिस्ट हुआ है तो पिछले 10 सालों की इनवॉइसिस नहीं हो सकती। द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर आफ्टर अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड हैज टू बी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर हम इसको रोकेंगे और इंशाल्लाह
अगली दो किस्तों में पैराग्राफ 7, 8, 9, 10 और फिर ऑब्वियसली जो फाइनल आंसर है उस तक हम पहुंचेंगे। लेकिन आई होप कि आप टैक्स मास्टर क्लास में इंजॉय कर रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट में जो कानून एज अकाउंटेंट्स आप प्रैक्टिस करते हैं या एज CFOs आप अपने सिस्टम्स बनाते हैं सेल्स टैक्स के और इनकम टैक्स के, वो कोर्ट में जाके कैसे टेस्ट होते हैं। और मकसद इन क्लास टैक्स मास्टर क्लास का है कि आपको आइडिया हो कि आपने जो है ना क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सस्पेंड हो भी गए तो सस्पेंशन के बाद आपको अगर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा तो ये दो कंडीशंस पूरी होना ज़रूरी है कि एक सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर तैयार करेगा टैक्स ऑफिसर, सिंपली अपनी मर्जी से नहीं रिजेक्ट कर सकता बल्कि एग्जैक्ट टैक्स फ्रॉड जो आपने किया है उसका प्रूफ देगा और आप फिर उसका काउंटर प्रूफ दे के उसको वहाँ ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इससे पहले कि आप ब्लैकलिस्ट हो जाएं। लेकिन सस्पेंशन अगर हो गई आपकी तो उसके बाद से वो, तो यहाँ तक हम इसको रोकते हैं। मैं हूँ आपका टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारा क्लब ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये पेड सब्सक्रिप्शन है। ये एपिसोड तो खैर आपको फ्रीली अवेलेबल है लेकिन अगर आपने सारी एपिसोड्स देखनी है तो taxdosti.com पर विजिट करें, ज्वाइन टैक्स मास्टर क्लास का फॉर्म फिल करें और 999 rupees ईयरली सब्सक्रिप्शन पे करके आप मेंबर बन सकते हैं। फिर आप जब भी हमारी taxdosti.com के पेज पे आएंगे तो उसमें टैक्स मास्टर क्लास के पेज को विजिट करेंगे तो ये सब वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी। थैंक यू।